आई काइंड ऑफ फील दैट वी कैन नॉट स्टॉप लिविंग. प्रॉब्लम इज दैट बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल. आई फील हमारा काम है ये, क्योंकि आई हैव पेरेंट्स बैक होम एंड यू नो, सो आई हैव टू बी एक्सट्रीमली स्पेशली वेरी केयरफुल. ये सारी चीज़ें हमें बचपन में सिखाई गई हैं यार, टू सैनिटाइज योर सेल्फ, टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स. तो बस रिस्पॉन्सिबल रहिए. जो नॉर्म्स हैं हमें आई थिंक इतना सब फाइट कर रहे हैं, तो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट जो जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते रहेंगे तो वील बी ओके. टचवुड वर्क वाइज आई थिंक आई रियलाइज दैट वी कैन नॉट लेट द इकोनॉमी इफेक्ट. और जो मुझे ऐसा लग रहा है इवन आर इंडस्ट्री एज अ होल, हम लोग ही थे व्हेन आई वाज डूइंग नागिन. आई थिंक आई वाज द फर्स्ट शो टू स्टार्ट इन द पैंडमिक. नागिन सबसे पहले ऑन फ्लोर गया था, नागिन 5. सो मैंने तो वो टफ फेस देखा है, पर मैंने देखा था सबकी एक स्पिरिट थी. एज एवरीबडी हैज़ कम टुगेदर, इट्स चैलेंजिंग बट इट्स नॉट दैट इट्स नॉट अचीवेबल. यू शुड बी मेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रांग टू फाइट इट. अभी जैसे मेरे पेरेंट्स अनवेल थे, फिर मैं बीमार हो गई, बट अपने मन को आप स्ट्रांग रखेंगे ना तो कुछ नहीं है. दूसरी चीज़, काम को ना जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि करना पड़ता है तो मैं करती हूँ, पर जहाँ जहाँ अनअवॉइडेबल है क्या करूँगी, करना तो पड़ेगा ही, राइट? बिकॉज आई एम कमिटेड टू माई वर्क एंड दैट्स इट. इट्स चैलेंजिंग बट इट्स नॉट दैट इट्स नॉट अचीवेबल. क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं. लिसन, आई डोंट नो अबाउट द फेयर फेयरनेस एंड अनफेयरनेस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई होप एवरीबडी सॉ द एपिसोड्स आई हैड गॉन फॉर. मैंने हम लोगों ने कुछ उस वक्त बहुत ज़रूरी था कि हम बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को जगाएं, एंड वी हैड गॉन देयर एज चैलेंजर्स टू वेक देम अप, टू रियली शेक देम अप. एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया. रही बात उमर की, मैं तो प्रोग्रेस उनकी देखी है, जो जो मैंने एपिसोड्स देखे हैं. आई थिंक ही शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट ही इज, फ्रॉम वेयर ही इज स्टार्टेड एंड फ्रॉम वेयर ही इज कम टू. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम एंड दैट्स एन अचीवमेंट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक देर आर बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर हिम इन लाइफ. और क्या है यार, इट्स एक जीतेगा एक हारेगा, वो तो प्रथा है. एंड ऑल्सो इट इज़ अबाउट जो गेम है वो गेम है. अब फेयर अनफेयर हम कौन होते हैं यार, एज व्यूअर्स वी कैन वॉइस एन ओपिनियन. अब मेकर्स जानते हैं, चैनल जानता है कि क्या है उसके पीछे. बट आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट, बिकॉज सबने अपनी पूरी जान जी जान लगा दी है शो में, मैं देख रही हूँ. सी आई एम, सिंस आई लव वॉचिंग बिग बॉस एंड आई हैव बीन एन एविड वॉचर, आई ऑल्सो फील दैट इस साल मुझे कोई पोटेंशियल विनर दिख नहीं रहा है, विच इज़ अ सैड थिंग. क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, मुझे आज कोई पसंद आता है, कल मुझे कोई पसंद आता है. सो मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज आई कॉन्ट फाइंड द राइट काइंड ऑफ विनर अभी तक. सो आई डोंट नो, बट आई होप मेरी बेशक कोई लड़की जीते. आई डोंट नो, आई एम जस्ट बींग अ लिटिल सेल्फिश हियर, बट थैंक्स. चलो.